स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मैथ नंबर वन पर। आज हम बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर जो है 16 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पर बहुत सारे मैंने वीडियो दिया है, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट दिया है, प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट जानकारी मैंने दे दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, पहले उसको देखिए, तो ये देखिएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। सवाल है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दो घटना घटित होती है तो उसमें एक घटना नहीं घटने की कंडीशन क्या होते हैं उसको निकालिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब दो घटनाएं घटित होती है तो उसमें से एक घटना नहीं घटने की क्या कंडीशन होती है, क्या मतलब उसके नियम होते हैं और उसको कैसे निकाला जाता है, ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल वीडियो को थोड़ा भी मिस मत करिएगा, नहीं तो वीडियो आपको कंप्लीट जानकारी आपको नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले कि एक पासे को, सवाल है कि एक पासे को फेंका जाता है तो ए और बी इस प्रकार की ए और बी घटनाएं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, घटनाएं ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए सम संख्या आने की घटना है और बी जो है विषम संख्या आने की घटना है। तो सवाल किया गया है ए डैश निकालिए, बताइए, और बी नहीं, और ए तीसरा मत पूछा गया, ए या बी, मतलब इसको पता करना है। तो आइए देखिए, हम आपको सिखाते हैं कैसे ये सब सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक पासे को फेंकने पर कुल संभव घटनाएं क्या क्या हो सकती है। तो एक पासे को फेंकने पर छः कंडीशन होते हैं, वो कितने कंडीशन, छः। तो एस यानी कि सैम्पल स्पेस, एस जो है 1 से 6 तक होगा, और ए जो है सम संख्या को दर्शाता है, तो सम संख्या को दर्शाता है ए, तो इसका मतलब इसमें से 2, 4, 6 होगा, और बी जो है क्या दर्शाता है, विषम को दर्शाता है, बी जो है विषम को दर्शाता है, तो 1, 3, 5 इसी में से लेना है और सम संख्या इसी में से लेना है। ए भी पता हो गया, बी भी पता हो गया, एस तो खैर पासा है। तो ये कंप्लीट जो निर्देश दिए गए हैं क्वेश्चन में उसके अनुसार मैंने कर लिया। अब मेरे पास क्वेश्चन किया गया है मुझसे कि ए डैश निकालिए, तो ए डैश निकालने का मतलब है कि ये घटना नहीं घटी है। जब सैंपल स्पेस आया है, जब पासा फेंका है, तो उस समय ए वाला संख्या शामिल नहीं है, तो ए वाला संख्या क्या है, 2, 4, 6, माने जब पासा फेंका गया तो 2, 4, 6 नहीं आया है, उसकी घटना, उस घटना के वर्णन पूछ रहा है, उस घटना की जानकारी। तो उसको निकालने के लिए इट्स वेरी सिंपल, क्या करेंगे कि ए डैश माने ए नहीं घटने की घटना एस में से ये घटा देंगे, तो एस आपका ये देख सकते हैं 1 से 6 तक है, इसमें से ए घटाएंगे, 2, 4, 6 घट जाएगा, तब बचेगा इसमें 1, 3, 5 बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया बी नहीं, मतलब बी नहीं घटा है, तो बी नहीं घटा इसका मतलब एस में से बी घट जाएगा, तो एस में से बी घटा देंगे, तो एस में से बी घटाएंगे, हाई एस है हाई बी है, तो इसमें से बी घटाएंगे मतलब 1, 3, 5 घट जाएगा, 1 भी निकल जाएगा, 3 भी निकल जाएगा, 5 तो बचेगा क्या, 2, 4, 6, देखिए वही लिखे हैं, देख रहे हैं ना। तो ये दो कंप्लीट हो गया, तीसरा है ए या बी। तो ए या बी का मतलब क्या है, इसका मैं जब प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट दिया था उस समय मैं बताया था ए या बी और ए सर्वनिष्ठ बी, ये सारी चीज़ मैं जब प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट दिया हूँ उसमें बताया हूँ, प्लीज उस वीडियो को देखिए तब इसको देखिएगा। यहाँ ए या बी का मतलब है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए या बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। तो ए या बी का मतलब ए यूनियन बी, मतलब ए और बी दोनों मिला दीजिए, तो ए और बी दोनों मिला दीजिए, तो एक सबको फेंट दीजिए एक में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों को फेंट दिया, देख सकते हैं। तो इस तरीका से देखिए कितना आसानी से आपने ये सारी चीज़ों को समझ लिया, और उम्मीद है कि मुझे आपको वाकई एकदम पक्का समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि इस चैनल पर सबसे खास बात है कि मैं जो भी कंटेंट देता हूँ वो चैप्टर वाइज देता हूँ, और उसके बाद जो है क्रम से देता हूँ और क्लास वाइज देता हूँ। तो अभी तक इस चैनल पर मैं क्लास 1 से 11 क्लास तक, मैं 11वीं क्लास तक टोटल वीडियो मैथ का चैप्टर वाइज और प्लस क्लास वाइज सब दे दिया हूँ, आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको कम्प्लीट इसका जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप।